बागी विधायकों की एक ही शर्त है कि बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाए। दरअसल शिवसेना और बीजेपी की सरकार बनती है तो शिवसेना के विधायकों और नेताओं के लिए राहत की बात यह है कि वो केंद्रीय एजेंसियों की जांच की फांस से बाहर आ सकते हैं। तो क्या महाराष्ट्र में तख्तापलट की पूरी कहानी ईडी के जरिए लिखी गई है? जो कारण है वो ईडी है, बीजेपी का ये खेल है। ईडी के दबाव में पार्टी छोड़ता है, वो बाला साहब का भक्त नहीं हो सकता। एकनाथ शिंदे ने बगावत का ऐसा बिगुल फूंका कि उद्धव ठाकरे के पैरों तले की सियासी जमीन दरक गई। शिवसेना अब शिंदे सेना बनती दिख रही है तो उद्धव मुख्यमंत्री से पूर्व मुख्यमंत्री। बागियों की दलील है कि उद्धव ने हिंदुत्व से मुंह फेरा, इसलिए उद्धव से उनका मुंह फेरना भी बनता है। लेकिन शिवसेना और कांग्रेस को इस बगावत के पीछे केंद्रीय जांच एजेंसियों की बू आ रही है। दावा है कि विधायक अपने मन से नहीं गए, उन्हें ईडी का डंडा दिखाकर ले जाया गया है। जो भक्त बाला साहब का किसी प्रेशर में पार्टी छोड़ता है, ईडी के दबाव में पार्टी छोड़ता है, वो बाला साहब का भक्त नहीं हो सकता। मैं और मेरे परिवार के ऊपर पूरा दबाव है ईडी का। हम आज भी ठाकरे परिवार और पार्टी के साथ रहेंगे और आखिरी सांस तक रहेंगे। जो दावा संजय राउत कर रहे हैं वही दावा कांग्रेस का भी है। हालांकि बीजेपी शिवसेना और कांग्रेस के दावों को झूठा बता रही है। ईडी के डर से कुछ मंत्री और एमएलए को डरा कर शिवसेना में छेद करने का ये काम किया गया है और उसका कोई अलग से कारण देने की जरूरत नहीं। कल्याण से एमएनएस विधायक राजू पाटिल ने भी ट्वीट किया और दावा किया कि बगावत का मुद्दा हिंदुत्व नहीं ईडी है। सियासी मुसीबत की इसी घड़ी में जब उद्धव अपने एक एक विधायक को घर बटोर रहे हैं, ऐसे वक्त में ईडी उनके मंत्रियों की हाजिरी लगवा रहा है। महाराष्ट्र सरकार में परिवहन मंत्री और शिवसेना नेता अनिल परब से ईडी दो दिनों से पूछताछ कर रही है। कल भी ईडी के दफ्तर में उनसे मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में कई घंटे पूछताछ हुई और आज भी उन्हें ईडी के सवालों का सामना करना पड़ा। इसी ईडी का डर पिछले साल जून में भी दिखा था, जब शिवसेना विधायक प्रताप सरनाईक ने उद्धव ठाकरे को खत लिखकर दावा किया था कि केंद्रीय एजेंसियां परेशान कर रही हैं, इसलिए शिवसेना को बीजेपी के साथ गठबंधन सरकार बना लेनी चाहिए। और आज वही प्रताप सरनाईक शिंदे खेमे के साथ खड़े हैं और गुवाहाटी के होटल में मौजूद है। सरनाईक का खत भले ही एक साल पुराना हो, लेकिन जानकार मानते हैं कि मजमून आज के हालात से मेल खाते नजर आ रहे हैं। एकनाथ शिंदे को भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरह से कल्टीवेट कर रखा है कि उनके खिलाफ कोई ईडी सीबीआई आईटी किसी तरह की कोई जांच नहीं है, तो उनको एक खुला छोड़ के रखा था कि हमें इनसे कभी ना कभी इनकी मदद होगी और वो मदद हुई, अभी इस ये दिख रहा है। इस बीच शिवसेना की तरफ से बागियों को डांटने, डराने और पुचकारने का भी दांव खेला जा रहा है। लौटने के लिए 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है, लेकिन शिंदे खेमे ने भी ऐलान कर दिया है अब जो भी होगा उसके लिए वो तैयार बैठे हैं। देखिए, शिंदे के बगावत के बाद उद्धव ठाकरे के सामने सबसे बड़ी चुनौती है शिवसेना को बचाकर रखना। पदाधिकारियों के साथ कल हुई बैठक के दौरान उद्धव ठाकरे इमोशनल नजर आए। बैठक में जब उद्धव ठाकरे का वर्चुअल भाषण हुआ तो बहुत गर्जे, एकनाथ शिंदे के साथ जाने वाले विधायकों को बुरा भला कहा, अपने ऊपर लग रहे आरोपों पर सफाई भी दी, लेकिन अंत आते आते इमोशनल हो गए। एक बार फिर सभी पदों से इस्तीफा देने की पेशकश की। काळा बाळासाहेबांचाही फोटो वापरायचा नाही, मी तर नालायकच आहे, माझा फोटो लावूच नका। पण बाळासाहेबांचाही फोटो न लावता तुम्ही शिवसेना नावाने जगून दाखवा आणि ठाकरे नावाशिवाय जगून दाखवा। बैठक में तालुका प्रमुख, जिला प्रमुख और मुंबई के विभाग प्रमुखों को बुलाया गया था। उद्धव ठाकरे के बाद आदित्य ठाकरे ने भी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। तसं असतं की जेव्हा असं काही पक्षात फूट पडते, विधिमंडळात फूट पडते,
दो दिन पहले जब हम वर्षा से निकले तो स्टाफ के हर सदस्य की आंखों में आंसू थे, सड़क पर खड़े शिव सैनिकों की आंखों में आंसू थे। उस समय मेरी माँ ने कहा था कि अगर धोखा एनसीपी और कांग्रेस ने दिया होता तो बुरा नहीं लगता, लेकिन धोखा अपने आदमियों ने दिया है जिनको हमने पाला था। उद्धव ठाकरे के बाद आदित्य ठाकरे की स्पीच से जाहिर है कि चीजें हाथ से निकल चुकी हैं। मतदान के लिए ये तुम्हें लक्षण पूर्णिया सिटी जानिए शहर अंग्रेजी लगे हैं। वो बहुत दूर है। आपको पता होगा हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है। और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम। बाबा ने भेजा है। कम हियर। क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? दैट्स व्हाट ब्रॉट यू हियर। जो तुम्हें यहां तक ले आया। क्यूरियोसिटी। ABP News, आपको रखे आगे।